फर्स्ट एरो इज दे नेचुरल थिंग्स नेचुरल थिंग्स में क्या क्या है सन रॉक्स और माउंटेन्स क्लाउड्स ठीक है ये भी क्या है नॉन लिविंग थिंग है अब यहाँ देखिए मैन मेड थिंग्स क्या है टावर बुक्स या नोटबुक्स एंड टैडी हो या कोई भी डॉल हो हम जिससे कोई इक्विपमेंट हो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गैजेट हो ये सब क्या है बेटा नॉन लिविंग थिंग है अंडरस्टैंड समझ में आया बच्चों चलिए अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग फर्स्ट वी हैव टू पॉइंट आउट द कैरेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा एनिमल ट्री है ना यहाँ दिख रहा है आपको दिखिए मन बिंग दिखा यहाँ पर फिश दिखी इट इज ऑल्सो द एनिमल ना वाटर एनिमल ओके समझ में आया और यहाँ पर आपको अपनी के नीचे देखिए आप First character क्या होगा living thing का इट कैन ग्रो और नॉन लिविंग थिंग में क्या हो जाएगा डू नॉट ग्रो यानी कि लिविंग थिंग ग्रो करती हैं और नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करती सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा लिविंग थिंग मूव and non living thing do not move. third character living thing can breathe and non living thing do not breathe. right living thing can eat but non living thing do not eat यानी कि living thing खा सकती हैं कोई भी चीज़ जैसे table पर अगर आप कुछ भी खाना रख देंगे plate में या कुछ भी ऐसे भी डाल देंगे तो क्या वो खाएगी? नहीं because they do not eat understand? एंड लिविंग थिंग कैन ईट कैट के पास अगर दूध है या कुछ भी चीज़ है और वो भूखी है तो वो तो खाएगी ना ठीक है रिप्रोड्यूस जो फिफ्थ वन कैरेक्टर है लिविंग थिंग का वो क्या है रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा कि अपने ही जैसे ओन काइंड को प्रोड्यूस करना दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं छोटे बेबी को बर्थ देते हैं है ना और कैट क्या करती है कैट के बेबी को क्या कहते हैं किटन है ना तो अपने ही सेम काइंड को रिप्रोड्यूस करना फिर से प्रोड्यूस कर देना दैट इज नोन एज रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन समझ में आया और ऐसे ही ये नहीं होता कि जिस जैसे कि एक टेबल रखी है टेबल खुद अपने जैसे दूसरे टेबल को नहीं बना सकती उसके लिए किसी ह्यूमन बींग को मैन को वर्क करना पड़ेगा कारपेंटर को वर्क करना पड़ेगा जब जाके एक छोटी टेबल बनेगी अंडरस्टैंड वॉट इज रिप्रोडक्शन

आप पिक्चर्स पर भी ध्यान दीजिए और उस लाइन पर भी ध्यान दीजिए जो मैं रीड कर रही हूँ और घर पे भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही ठीक है चलिए वी कैन स्टार्ट फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग अ लिविंग थिंग इज वन ऑफ हैज़ लाइफ इन इट जैसा कि हमें पता है कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें लाइफ होती हैं लिविंग थिंग मूव ग्रो ईट और टेक फूड है ना ईट करना या फूड को टेक करना बोथ आर द सेम थिंग फील यानी फील भी कर सकती है ब्रीथ कर सकती है रिपोड्यूस कर सकती है राइट right? या फील जो कैरेक्टर है यह भी मैंने बताया नहीं आपको फ़ील मीन्स क्या होता है जैसे कि आ, अगर आपका आपके हाथ में कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग जाए कट लग जाए है ना या ममा आपको स्लैप करे या आ, आप किसी हॉट बॉल को टच करो जैसे आपके हाथ में एक मैगी का हॉट बॉल है है ना और आपने उसे फटाफट से खा लिया स्पून से या फॉक से तो आपको गर्म लगेगी ना हाथों में भी गर्म लगेगी आप जल जाओगे और मुंह में भी गर्म लगेगी इसका क्या मतलब है बेटा कि आपको फील हो रहा है कि दैट इट इज़ हॉट समझ में आ रहा है तो ये भी ह्यूमन बींग की एक प्रॉपर्टी है जैसे आप पैरेट की जो टैल होती है पूँछ होती है उसको टच करते हो तो वैसे ही मूव करता है ना काटने के लिए होता है दैट इज़ द सेंस फीलिंग ओके चलिए अब नेक्स्ट मूवमेंट ये फर्स्ट कैरेक्टर जो हमने बताया था करेक्टर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं जरूरी नहीं कि पहला करेक्टर अभी हमने ग्रो बताया तो दैट इज ग्रो ठीक है तो अभी हम मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिए लिविंग थिंग मूव ऑन देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर लिविंग थिंग्स क्या होती हैं लिविंग थिंग्स जिनमें लाइफ होती है लिविंग थिंग क्या करती है बेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती हैं अपने शेल्टर के लिए या फूड के लिए आपने देखा होगा जंगलों में कई एनिमल्स यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और आपने अगर पढ़ा हो तो जो ओल्ड ह्यूमन बींग थे ना मीन्स प्रीवियस प्रिमेटिव जो थे हमारे पूर्वज वो भी अपने फूड और शेल्टर की नीड में कि उनको घर बना लें छोटा सा गुफा में रहते थे तो घर बनाने के लिए फ़ूड के लिए हम भी तो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं मूव करते हैं अब जैसे कि आई एम द टीचर ठीक है तो मैं भी तो स्कूल जाती हूँ राइट फॉर जॉब परपज बिकॉज इट इज माई ऑक्यूपेशन ठीक है आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स भी जॉब करते हैं तो वाई बिकॉज ऑफ सर्चिंग फूड एंड शेल्टर सो एनीम सर्च एस डॉग्स एंड कैट्स वॉक विथ दियर लेग्स एनिमल्स किस तरीके से मूव करते हैं बच्चों लेग से मूव करते हैं समझ में आया वॉक करते हैं ना हम चलते हैं तो वॉकिंग किससे करते हैं बेटे हम हमारे लेग से करते हैं फिश स्विम इन वाटर यूजिंग देअर फिन्स अब फिश क्या करती है फिश सभी ने देखी है फिश स्विम इन वाटर वाटर में तैरती है पानी में तैरती है क्योंकि पानी से हम बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी ठीक है किस से यूजिंग देअर फिन्स एंड बर्ड्स फ्लाई बाई देयर फैदर्स बर्ड्स के पास फैदर होते हैं इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे बर्ड्स एव फैदर देखिए आपको बर्ड उड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है फिश uh, की मदद uh, से वो पानी में तैरती हैं एंड डॉग एंड वी ऑल हैव लेक टू मूव ओके अंडरस्टूड सो मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव वन प्लेस फ्रॉम अनादर प्लेस अब आप सोचेंगे कि भाई प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह तक चल ही नहीं पाते हैं है ना फिर वाई वी कैन कॉल द प्लांट इज ऑल्सो द लिविंग थिंग है ना बट क्या होता है बच्चों प्लांट्स भी मूवमेंट शेयर मूवमेंट शो करते हैं हम कैसे कहेंगे हैव यू सीन द टच मी नॉट प्लांट है ना वो भी तो मूव करती है जैसे हम उसे टच करते हैं उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्लोज uh, हो जाती हैं ठीक है थीके? और एक और फ्लावर आपने देखा है सनफ्लावर द प्लांट ऑफ सनफ्लावर टर्न्स टर्नस टूवर्ड द सन जिस तरफ भी सन होता है जो फ्लावर का मुंह होता है जहाँ जहाँ सन जाता है उसी तरफ मुड़ जाता है इट्स टर्न टूवर्ड द सन हैव यू सीन द सनफ्लावर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा ठीक है और आप नेट पर भी देख सकते हैं लोग अभी मैं आपको दिखाती हूँ चलिए एक वीडियो बनाते हैं उसमें हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग ठीक है अब इसी का एक कैरेक्टर कैरेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट ये हमने लिविंग थिंग में पढ़ा अब हम नॉन लिविंग थिंग में पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग मूव ओनली वन दे आर मूव्ड बाय समन और सम थिंग फॉर एग्जाम्पल यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो मूव कब करेंगी जब हम उन्हें मूव कराएंगे है ना हम उन्हें खिसकाएंगे या उठाकर कहीं रख देंगे या किसी और चीज़ से उन्हें पुश या पुल करेंगे तब जाके वो मूव करेंगी ठीक है ऐसे अपने आप खुद से नहीं चल के जाएंगी सो फॉर एग्जांपल अ बॉल मूव्स ओनली इफ़ यू थ्रो और पुश इट ठीक है ये जो बॉल है वो तभी मूव करेगी जब आप इसको थ्रो करेंगे फेंकेंगे या पुश करेंगे दे वी कैन से दैट ओनली लिविंग थिंग मूव ऑन देयर ओन जैसे कि अगर हम कहें कि प्लेट अगर हमने टेबल पर रखी है तो वो खुद से तो अंदर नहीं जाएगी वो टेबल पर वैसे ही रखी रहेगी कई सालों तक रखी रहेगी जब तक आप उसे मूव नहीं करेंगे या किसी चीज से टेबल को या प्लेट को धक्का नहीं लगेगा पुश नहीं होगा कि वो नीचे गिर जाए तो समझ में आया चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे हम ग्रोथ समझ में आ रहा है बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा है अब बेबी then it grows into a boy, then a boy grows into a man, understand समझ में आ रहा है आपको grow क्या है यही animals में आप देखते हैं छोटे puppy को आप घर में लाते हैं तो वो छोटा सा होता है फिर वो young one हो जाता है then old one चलिए हम देखेंगे living things grow living things grow करती हैं a little baby grows into a child and a child grows into a man जैसे कि एक सीड अगर आप जमीन में लगाते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए तो क्या होता है बच्चों अ सीड ग्रोज इन टू अ स्मॉल प्लांट है ना छोटा सा प्लांट ग्रो करता है फिर क्या होता है देन अ बिग प्लांट जैसे पपी का एग्जाम्पल दिया अ पपी ग्रोज इन टू अ डॉग एंड किटन ग्रोज अप इन टू बिकम अ कैट चिकन ग्रोज अप टू बिकम अन समझ में आया इस तरीके से ऑल लिविंग थिंग ग्रो ठीक है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो वैन यू व बोर्न यू वेरी स्मॉल जब आप जब आप आपका आप जन्म हुआ था जब मीन्स आप पैदा हुए थे तब आपने अपनी फोटो देखी आप कितने छोटे से थे है ना आप हो हम हो या कोई भी हो जब वो बॉर्न uh, होता है न्यू बॉर्न बेबी तो हमेशा छोटा ही होता है फिर धीरे धीरे क्या होता है वो ग्रो करता है ठीक है यू वर वेरी स्मॉल नाउ यू हैव ग्रोन टू बी मच बिगर दैन स्मॉल बेबी ठीक है समझ में आया आप अपने अपने फोटोज को भी देख सकते हैं जब आप छोटे थे तब का फोटो देखिए अब का फोटो देखिए ठीक है आप अपने मम्मी डैडी का भी फोटो देख सकते हैं जब वो छोटे थे ठीक है नॉन लिविंग थिंग और आप आइडेंटिफाई कीजिए कि छोटे छोटे थे फिर थोड़े बड़े हुए फिर और बड़े हुए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ग्रोथ किस तरीके से हो रही है नॉन लिविंग थिंग सच एज चेयर बॉल टॉयज डो नॉट ग्रो अब टॉय टेडीपी अर आप जितना बड़ा लेंगे वो उतना ही बड़ा रहेगा राइट right? जितना आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है लाइक एक बल्ब ही ले लीजिए अगर आप बल्ब भी ले रहे हैं तो वो उतना ही बड़ा रहेगा राइट right. वो उससे बड़ा नहीं होगा बिकॉज नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को वेरी गुड